हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और ये है आज न्यू ईयर की पहली सुबह, मंडे है आज। तो सुबह का तो ये अपडेट है कि सुबह से काफ़ी ज़्यादा कोहरा था यहाँ पे, और तकरीबन 10 बजे तक कोहरा ही लगा हुआ था। तो अभी थोड़ी बहुत धूप निकली है, तो दो तीन एक प्लान थे हमारे, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सारा हो चुका है। ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाए थे बहुत ही टेस्टी से गोभी के पराठे। तो बस नाश्ता करने के बाद अब लोग हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर शायद पापा के यहाँ जाने का प्लान है। तो मंदिर बहुत दूर नहीं जा रहे, यहीं आसपास ही जा रहे हैं। तो सुबह से उठ करके सबसे बातें बातें हुई, फैमिली में फ्रेंड्स के साथ सबको विश किया, फ़ोन पर भी और मैसेजिंग से भी, तो सभी तरीके से विश हो गया है। तो बस घर के सारे काम तो हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। और आज का मेरा दिन साल का पहला कैसा रहेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। तो जैसे जैसे दिन होता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आई होप आप लोगों का आज का पहला दिन भी बहुत अच्छा जाए। भगवान करे ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां, शोहरत लेकर के आए और पूरे साल भर आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरी तो यही कामना है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो मंदिर तो हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग यहाँ पे साईं मंदिर आए हैं। ये हमारे घर से ना थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ पे। तो बच्चे और हस्बैंड गए हुए हैं अभी यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए, उसके बाद हम सब लोग मंदिर जाएंगे। तो मंदिर मैंने आपको दिखाया भी, ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये जो नीले रंग की बिल्डिंग है ये ही मंदिर है। ये एक्चुअली पूरा कवर्ड है, रास्ते की तरफ से ना पूरा कवर्ड है, सिर्फ मंदिर का जो द्वार है वो ही खुला रहता है ट्रैफिक की वजह से भी, क्योंकि मेन रोड पे भी है ये। तो बस अभी मंदिर का काम हो गया यहाँ से, फिर अब हम जाएंगे पापा के यहाँ। तो अब शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन 6 बजे होंगे। मैं किचन में आई थी कुछ काम करने के लिए। एक्चुअली मैंने सोचा तो बहुत था कि मैं पापा के यहाँ जाकर के थोड़ा बहुत कुछ तो रिकॉर्ड कर ही लूँगी, कभी भी नहीं कर पाती हूँ। बट वहाँ पे बच्चों ने जो आतंक मचाया, हमें तो एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी जो हम लोग बातें कर रहे थे। इतना ज़्यादा बच्चों ने वहाँ पर उधम मचाया और रोना चिल्लाना झगड़ा ये सब चलता रहा उनका, और बस हम बच्चों को ही देखने में थे। बिल्कुल भी मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इवन मुझे ध्यान ही नहीं आया इतना भी कि मैं कैमरा उठा करके कुछ भी एक आध क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ। और बानू ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। वो चिढ़ गई थी वहाँ जा कर के, छोटी छोटी बातों पे ज़िद कर रही थी बहुत ज़्यादा। इवन वो घर आ कर के भी उसका वही चालू था, और 1-2 घंटे तो मुझे उसे अच्छे से मनाने में ही लग गए, और 2-3 घंटे मेरे आराम से उसमें निकल गए। तो जब वो सोई है तो मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे काम करने आई हूँ। तो क्योंकि न्यू ईयर है आज, तो मीठा तो बनता ही है, और यहाँ पे मैं सीज़न का पहला गाजर का हलवा बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा सा ये कम है गाजर, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही में ये 1 बीटरूट है इसमें, इसको भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। 1 पूरा चम्मच भर के मैंने देसी घी डाला है कढ़ाई में, गर्म होने के बाद मैं कैरेट्स और बीटरूट को जो मैंने ग्रेट किया था उनको इसमें डाल दूँगी। सारी चीज़ों को इसमें डाल करके मैं इनको लिड लगा करके
कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी सिम गैस पर, तो ये आराम से अच्छे से जब रिड्यूस हो जाएगी बाकी सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो बीट रूट डालने से गाजर के हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। यस, बीट रूट का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाजर से, बट जब उसको गाजर के साथ मिला करके बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी टेस्ट पता नहीं चलता और कुछ भी टेस्ट इसका ख़राब नहीं होता। इवन गाजर के हलवे को बहुत ही बढ़िया सा एक रेड कलर मिल जाता है और दोनों ही चीज़ें मिक्स होकर के बैलेंस हो जाती हैं, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता बच्चों को भी कि गाजर दे दिया कि बीटरूट दे दिया। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो अच्छी चीज़ें बच्चों को खिलाएं तो हमेशा अच्छा ही होता है उनके स्वास्थ्य पे असर। तो ये हो गया मेरा गाजर का हलवा, मैंने यहाँ पे इसको सिम पर बनने रख दिया है। उसके बाद मेरे पास है ये बहुत ही अच्छा फ्रेश सा राई का बंच। ये राई मुझे अभी दिन में ही मेरे नेबर में एक भाभी हैं उनके यहाँ से मिली है, तो मैंने सोचा चलो आज राई बनाती हूँ। बहुत ही फ्रेश थी ये, तो आज ही बना लूँगी तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज़ एक दो दिन बाद बनाऊँगी तो थोड़ा मुरझा जाएंगे इसके पत्ते, तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और ये है 1 kg मिल्क और साथ ही में यहाँ पे हैं एग्स। तो ये घर के लिए नहीं आए हैं, ये डॉग के लिए आए हैं, तो उसको ये देने हैं क्योंकि उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। वो क्या है मैं अभी आपको ब्रीफ में बताऊँगी। और ये उसकी मेडिसिन हैं, एक एंटीबायोटिक है ये बड़ा वाला जो बॉक्स है और ये छोटा वाला है ना ये पेन रिलीफ है, तो ये मिलाकर के उसको अभी हम दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा अभी मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर राई को धो करके अच्छे से काट के और इसको बनने रख दूंगी, उसके बाद फिर मैं ये वाला काम करूंगी, तो खाना जो है मेरा एक तरफ रेडी होता रहेगा। राई को मैं बिना आलू के ही बना रही हूँ अच्छे से कट करके, थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा है ना, अगर कम होती तो मैं शायद इसमें एक आलू भी डाल लेती, बट क्योंकि ये ज़्यादा है तो इतना राई काफ़ी होगा। और अगर ज़्यादा होती है ना तो कई बारी मैं इसके ना पराठे भी बना लेती हूँ नेक्स्ट डे, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसके भरवा पराठे। तो यहाँ पे मेरी गाजर भी अच्छे से रिड्यूस हो गई है, अब इसमें बाकी की चीज़ें मिक्स करेंगे। वैसे तो सीटी भी लगा सकते हैं कुकर में, लेकिन मुझे खुला बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब गाजर रिड्यूस हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। शुगर मेरी 1 कप से थोड़ी ज़्यादा है, तो टेस्ट के हिसाब से ही डालें। अगर बच्चे गुड़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें जैगरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, विंटर में बच्चों को देना चाहिए। उसके बाद मैंने 3 बड़े चम्मच भर के इसमें डाला है मिल्क पाउडर। आपके पास खोया है यानी मावा है तो वो डाल सकते हैं। मैं बहुत ही इंस्टेंट बनाती हूँ हमेशा गाजर का हलवा, तो मैं मिल्क पाउडर ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने 2.5 चम्मच के अराउंड इसमें डाला है कोकोनट पाउडर। मुझे कोकोनट बहुत ही पसंद है तो मैं हमेशा बाद में भी डालती हूँ इसको, खूब सारा डाल देती हूँ तो टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट यानी कि इसमें है काजू, बादाम और किशमिश। बस ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी और जो भी एक दो चीज़ें हैं वो मैं लास्ट में डालूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर डालने से ना हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जो टेस्ट मावा डालने से आता है एग्जैक्टली वही आता है। बट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पर कौन सी चीज़ें आप हलवे में डाल रहे हैं, तभी उसका टेस्ट जो है बहुत बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं मिक्स, अब मैं इसको और 5-6 मिनट के लिए पकने रख दूंगी। उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, राई बनाऊंगी। 2-3 चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें धनिया सीड्स, कोरिएंडर सीड्स होते हैं ना, जो हरी सब्जी जो धनिया सीड्स में तड़का लगी हुई होती है ना, बहुत ही उसका टेस्ट बढ़िया लगता है। ड्राई रेड चिली डाल दी है मैंने 2 तोड़ करके, थोड़ी सी हींग डाली है, और उसके बाद मैंने ना ये 1 अनियन और गार्लिक को चॉप कर लिया था तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अनियन ऑप्शनल है लेकिन गार्लिक इज़ मस्ट, क्योंकि हरी सब्जी जो होती है ना वो कुछ लोगों को गैस कर सकती हैं। इसमें हाई क्वांटिटी में आयरन होता है तो आयरन ज़्यादा जो है कई बार लोगों को नुकसान कर सकता है, तो लहसुन जो है वो डालना बहुत ज़रूरी होता है हरी सब्जी में, चाहे आप काट करके बनाएं चाहे आप उसका साग बनाएं। तो यहाँ पे मैंने पहला बंच जो काटा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मिक्स करूँगी ना तो थोड़ा रिड्यूस होने लग जाएगी, नीचे बैठने लग जाएगी, तो फिर मैं मसाले ऐड करके
बाकी की जो कटा हुआ राई है वो भी इसमें डाल दूंगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, मुझे विंटर्स क्यों पसंद हैं, मुझे विंटर्स इसीलिए अच्छी लगती हैं कि उसमें आती हैं बढ़िया सी हरी हरी सब्जियाँ खाने के लिए, रंग बिरंगी गाजर आती है, मटर आती है फ्रेश फ्रेश, और बहुत सारी पालक, मेथी, राई, बथुआ, मुझे हरी सब्जियाँ बहुत पसंद हैं, इसीलिए मुझे विंटर सीज़न बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे गाजर भी बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली उसका जूस भी बना करके पीती हूँ। मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में भी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से जूस बनाती हूँ गाजर का, और हस्बैंड को भी देती हूँ। बच्चे तो ज़्यादा नहीं पीते हैं, बट मैं और हस्बैंड तो पी ही लेते हैं। तो रूटीन के मसाले डाल करके अब मैं बचा हुआ जो राई था उसको भी डाल दिया है, और इसको बिल्कुल सिम पर मैंने रख छोड़ा है, ये बनती रहेगी। उसके बाद गाजर का हलवा एक बार लास्ट बार मैं चेक कर रही हूँ। गाजर का हलवा ना जितना देर तक भूनता रहता है, बनता रहता है ना, उतना ज़्यादा बढ़िया लगता है। अदरवाइज़ वो ना कच्चा कच्चा सा लगता है, गाजर में भी उतना टेस्ट फिर आता नहीं है। तो जितना आप इसको भूनते रहेंगे ना जितनी देर तक, उतनी देर तक इसका हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया उमदा निखर करके आता है। तो लास्ट में मैंने ना 2-3 चम्मच और इसमें मिल्क पाउडर डाला है, और ये वाला मिल्क पाउडर मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि इसका हल्का हल्का सा जो क्रंच रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, जैसे बिल्कुल खोवा लगता है। तो ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा 2-3 स्पैचुला को मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, और बस हमारा हलवा जो रेडी हो गया है। उसके बाद अब मैं सर्विंग से पहले इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट जो है अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी, इसको पूरा ढक दूंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कोकोनट तो बहुत पसंद है, तो जितना डाल दें उतना कम है, मतलब आई लव कोकोनट, मुझे कोकोनट की बर्फी, लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा हो गया है डन। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि घर में अगर कुछ भी मीठा बने तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाए, और ये तो मेरा सीजन का पहला हलवा है तो भगवान को भोग लगाना तो बनता ही है। तो छोटी कटोरी में मैंने निकाल दिया है अलग से, अब इसको रख दूंगी ढक करके। उधर मैं जैक्सन के लिए खाना तैयार कर रही हूँ, तो मैंने मिल्क निकाल लिया है, हल्का सा इसको लूक वार्म कर लिया है, और उसके बाद इसमें मैंने डाल दी हैं ये दोनों गोलियाँ। तो जैक्सन के साथ एक्चुअली एक इंसिडेंट हो गया था अभी कुछ दिन पहले, रात को कुछ डॉग्स के साथ उसकी फाइट हुई होगी, और उसको काफ़ी ज़्यादा कट जो है आँखों के नीचे लग गया था, काफ़ी ज़्यादा बाइट कर लिया था डॉग्स ने, जो यहाँ पे आते हैं ना स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, तो उसको स्टिचेस लगी हुई हैं, तो काफ़ी उसका ध्यान रखना पड़ रहा है आजकल। तो तीनों टाइम का खाना हम उसका कर रहे हैं, वो हमारे नेबर का डॉग है, हमारा अपना नहीं है, तो पूरे नेबर में रहता है वो सोसाइटी में, तो सोसाइटी का ही डॉग है, तो सब लोग उसको खाना देते हैं तो हम लोग भी देते हैं, हमारा अटैचमेंट कुछ थोड़ा सा अलग है। तो ट्रीटमेंट हम ही लोगों ने करवाया उसका, तो खाना पीना उसकी टेक केयर पूरी हम ही लोग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो तीनों टाइम का खाना मैं अच्छे से देती हूँ उसको ताकि वो जल्दी से हील हो जाए। तो वहाँ पे जैक्सन को खाना दे करके हस्बैंड आ गए थे, और उन्होंने आते ही पूछा मेरे से कि हलवा बन गया है क्या, तो मैंने कहा कि हाँ बन तो गया है, तो खाना खाने के बाद खाएंगे क्या, बट उन्होंने कहा कि नहीं खाना खाने के बाद नहीं, हलवा बना है तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते, और खाना खाने के बाद ना उनसे मीठा खाया भी नहीं जाता, शादी पार्टी में भी उनके साथ ऐसा ही होता है, तो वो डेजर्ट पहले ही खाना पसंद करते हैं और हलवा तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, उसके लिए तो वेट ही नहीं करना है। तो मैंने उनको सबसे पहले हलवा ही सर्व कर दिया गर्मा गर्म, अदरवाइज़ फिर दोबारा गर्म करना पड़ता है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये हलवा बना था, इंस्टेंट भी है ना तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो मैंने उनको दे दिया है हलवा, और उसके ऊपर मैं थोड़े से और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डाल दूंगी यहाँ पे, तो मैंने बादाम काट के रखे हुए थे तो वो मैं ऊपर से डाल दूंगी। तो सो यमी, सो टेस्टी, बच्चे को भी बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना इस बारी सर्दियों में इंस्टेंट हलवा। गाजर बहुत अच्छी अच्छी आ रखी हैं आजकल मार्केट में, तो हलवा तो बनता ही है, तो ज़रूर खाएँ। तो डेजर्ट
खाने के एक आधा घंटे बाद फिर मैंने डिनर भी सर्व कर दिया था और यहाँ पे राई भी मेरी अच्छे से बन करके तैयार हो गई थी। और ये ना जो सब्जी आप देख रहे हैं ना, ये लोबिया की तरी वाली सब्जी है, ये मैंने दिन में बनाई थी। तो क्योंकि थोड़ी बची हुई थी तो मैंने ये प्लेट में रख दी है और साथ में दो चपातियाँ और साथ में है बीटरूट सैलेड। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये फॉग की शावर कितनी बेतहाशा है। फॉग लगी है दो तीन दिन से, जब से मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी ना, दो तीन दिन तक तो फॉग इतनी ज़्यादा रही है, बाहर जाने का तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन मैं आपको ये कैमरा से दिखा रही हूँ, हमारे जो कैमरा लगे हुए हैं तो ये उसमें रिकॉर्ड हुआ है। और देखिए कितना भयंकर फॉग की शावर है, सुबह भी इतनी ज़्यादा फॉग रहती है ना, वो मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में दिखाया ना, बहुत ज़्यादा फॉग रह रही थी तीन चार दिन तक तो, और ठंड भी इस वजह से बहुत ज़्यादा थी। तो इसी के साथ आ गए हैं हम इस व्लॉग के एंड पर। ऐसा रहा मेरा साल का पहला दिन, आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा रहा होगा। मेरा तो मिक्सअप सा ही रहा, ना ज़्यादा अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक ही ठीक था। सो चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।